तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते के लिए और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, यहाँ से आगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का मोमेंटम क्या रहेगा, ऑप्शंस के अंदर जैकपॉट ट्रेड कौन सा बन सकता है, यहाँ से आगे की रैली कहाँ पर होगी, लॉन्ग साइड के लिए या फिर शॉर्ट साइड के लिए जाना सही रहेगा, इन सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो उससे पहले ये बताना चाहूंगी, इस चैनल के ऊपर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर कल क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शंस के अंदर जैकपॉट ट्रेड कौन सा बनता है इसके ऊपर आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर शेयर मार्केट के रिलेटेड, स्टॉक्स के रिलेटेड, एजुकेशनल वीडियोज के रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है, सारी न्यूज मिलती है। और अगर आपको पूरा शेयर मार्केट जानना है या फिर ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर काम कैसे होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इसके बारे में तो आपको जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। इसके साथ साथ इसी चैनल का एक टेलीग्राम के ऊपर ऑफिशियल चैनल भी है, जहाँ पर लाइव मार्केट में एक फ्री एजुकेशनल ट्रेड आपको मिलता है, जिसकी आपको काफ़ी हेल्प होगी लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते समय, तो यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यही मेरा ऑफिशियल चैनल है, इसके अलावा कोई भी चैनल टेलीग्राम के ऊपर मेरा नहीं है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मिलती है, डेली लाइव मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ आती है वो सारी आपको यहाँ पर मिलती जाती है, तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट पूरा सीखना चाहते हैं, डेली ऑप्शंस के अंदर काम कैसे होता है इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा मंथली ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल ये ऑफ़र चल रही है इस वीकेंड के लिए, तो ये वीकेंड के बाद ये प्राइस आपको देनी पड़ेगी, तो इस ऑफ़र के थ्रू ज़रूर ज्वाइन हो लेना। और अभी बजट के बाद मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़ने वाला है, और अगर आप एक वर्किंग वूमन हैं या फिर अगर आप काम कर रहे हैं, जो भी लोग जॉब करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप उसके अलावा भी डेली बेसिस पे 1-2-3 हज़ार रुपये आप मार्केट से निकाल सके, ताकि वो भी आपको एक इनकम के थ्रू आपको वो मिल जाए। तो वो सबके लिए ये प्रीमियम मेंबरशिप है, और ये ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और सिर्फ अगर आप ट्रायल बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी वाला प्लान मिल जाएगा, जो कि सिर्फ एक एक्सपायरी का आपको ये इतना अमाउंट देना है। जो भी लोग फर्स्ट ट्रायल लेना चाहते हैं वो ये एक्सपायरी के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। अभी हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस आउट परफॉर्म यस्टरडे, एंड दैट्स व्हाई निफ्टी 50 जो है वो हमें एक अच्छी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है, 24,800 अचीव कर लिया है, 52 वीक हाई 24,861 बन चुका है, क्लोजिंग भी काफ़ी नज़दीक है। और यहाँ से निफ्टी 50 कल के सेशन में, यानी कि यस्टरडे वाले सेशन में 400 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर बंद हुआ है, बुल्स ने कमबैक कर लिया है, सारे फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो गिरावट थी ये सिर्फ और सिर्फ बजट के ऊपर थी, और बजट से नाखुश होकर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया था, बाकी जो ओवरऑल ट्रेंड था निफ्टी बैंक निफ्टी का वो अपसाइड का ही था। और ये हमें पिछले दो सेशन से देखने को भी मिला है, एक पॉजिटिव लॉन्ग कैंडल आज के सेशन में फॉर्म हुई है, और निफ्टी 50 जो है वो आप देख सकते हैं लोअर शेडो बिल्कुल नहीं है, ओपनिंग से ही धमाकेदार तेजी में देखने को मिला और कंटिन्यूस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी 50, और अभी 24,800 के पास आकर बंद हुआ है अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास, जहाँ पर एक यहाँ पर निफ्टी के अंदर हमें एक सेलिंग भी देखने को मिली थी पिछले सेशन में, पिछले जब टाइम पे यहाँ पर पहुंचा था तो एक फॉल
24,050 तक हुआ है अभी यहाँ से रिकवरी करते हुए वी शेप में, तो निफ्टी जो है वो हमें 24,800 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या करें, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए पहले तो हमें ये देखना है 24,600, तो 24,600 के पास निफ्टी 50 के लिए एक सपोर्ट लेवल है। और अभी अगर निफ्टी 50 24,600 के सपोर्ट के ऊपर रहता है, 25,000 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। जो भी लोग लॉन्ग साइड के लिए गए हैं इस लेवल से या फिर 24,200 से, उन्हें टाइम टाइम पे अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट यू टर्न भी ले सकता है, ऑलरेडी अपने हाई के पास पहुंच चुका है। अगर मंडे के लिए, अभी दो दिन का गैप था, तो अगर मंडे के लिए निफ्टी 50 जो है वो डाउन साइड के लिए स्लाइटली ओपनिंग करता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक 24,600 के ऊपर है निफ्टी के अंदर, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। बिलो 24,600 क्या कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही निफ्टी 50 जो है वो 24,600 से नीचे गया तो क्या करें, तो 24,600 से नीचे निफ्टी अगर गया तो निफ्टी हमें डाउनसाइड के लिए 24,200 का, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें जो है वो फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यानी कि पुट साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अभी आपको क्या करना है, 24,800 750, अगर इस रेंज में है तो इस रेंज में ना ही पुट साइड के लिए जाना है ना ही सी साइड के लिए जाना है। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट को पहले तो समझिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 10 बजे से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 10 बजे से पहले ट्रेड नहीं लेना है। 10 बजे के बाद अगर निफ्टी 24,800 के ऊपर ही है तो इसका मतलब निफ्टी एक और बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर 10 बजे के बाद निफ्टी जो है वो 24,750 से नीचे है तो यानी कि यहाँ से एक फॉल की जरूरत है निफ्टी 50 को आगे की मोमेंटम के लिए। सीधा जाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए एक डिप मारकर निफ्टी 50 जाएगा और उस डिप का फायदा हम लोग उठाएंगे सी साइड में जाने के, पी साइड में नहीं जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि 24,750 से नीचे आ चुका है अभी हम लोग पुट साइड में जाते हैं, तो ये नहीं देखना है। जो सिनारियो बताया वही सिनारियो फॉलो करना है। सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तभी देखनी है कि जब मार्केट ओपनिंग के बाद 850, 890, 10 बजे तक या फिर उससे पहले जा रहा है तो वहां से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेकिन तुरंत जाना थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैंने 10 बजे आपको बोला है। तो अगर गैप अप हो जाता है 50 या फिर 100 पॉइंट्स का तो निफ्टी के अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है रेजिस्टेंस के पास, और अगर गैप डाउन हो जाता है तो सेम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और ये लेवल्स कौन से होंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो फर्स्ट लेवल जो रहेगा यहाँ से 24,760 के सपोर्ट का, इस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो निफ्टी 50 के लिए 24,680 के पास है और उसके बाद में 24,610 के पास। तो ये सपोर्ट लेवल्स है। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट 24,880 का है। अगर ओपनिंग के बाद तुरंत यहाँ पर जा रहा है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है 15-20 मिनट से ऊपर, अगर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट से नीचे सस्टेन हुआ, इसका मतलब उस साइड में रैली हो गई, इस बात का ध्यान रखिएगा। 24,880 के ऊपर निफ्टी जो है वो हमें 24,930 एंड 25,000 के तरफ अपनी नेक्स्ट रैली दिखाएगा। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स है, और जो गैप अप और गैप डाउन के लिए मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, बताया है कि इन्हीं लेवल्स के पास आपको जाना है सेलिंग के लिए या फिर बाय ऑन डिप्स के लिए, तो उस लेवल्स का उपयोग कीजिएगा और वही ट्रेड कीजिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। तो निफ्टी 50 के लिए जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उनको जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने चार्ट के ऊपर इन लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। तो अभी निफ्टी 50 की हमने बात कर ली है,
अभी हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो बैंक निफ्टी ऑल्सो आउट परफॉर्म यस्टरडे एंड क्लोज्ड अराउंड 51,295। बैंक निफ्टी ने भी 400 पॉइंट्स ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है और निफ्टी बैंक ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर फॉर्म की है। तो अभी यहाँ से आगे बैंक निफ्टी के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, पहले तो जो लोअर लो फॉर्मेशन हो रहे थे वो यहाँ पर निगेट हुए हैं और निफ्टी बैंक ने हमें अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। मैंने आपको कहा था 51,000 के बिलो जब तक बैंक निफ्टी है निफ्टी बैंक निगेटिव रहेगा। 51,000 के अबाव अभी जा चुका है, अभी यहाँ से आगे की रैली क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक ने पिछले बारी भी यहाँ से इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट से 51,000 के एक अच्छी रैली हमें 53,000 तक दिखाई और फिर जाके 53,300 तक गया, यानी कि यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से रैली हुई, पॉज लिया यहाँ पर, 3 से 4 सेशन का एक पॉज था यहाँ पर और फिर जाके कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। अभी फिर से इस लेवल के पास पहुंच चुका है, अभी इस लेवल के पास फिर से 51,800 और 51,000 के बीच में 3 से 4 सेशन के लिए कंसोलिडेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए निफ्टी बैंक ने फिलहाल आज के सेशन में यानी कि यस्टरडे वाले सेशन में एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक 51,350 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ से फर्दर रैली हमें नेक्स्ट सेशन में भी देखने को मिलेगी और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 51,500 का टारगेट हम लोग निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं। तो 51,350 रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर इस लेवल को डिफेंड करके निफ्टी बैंक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है तो भी फर्दर रैली एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर इस लेवल के पास कंसोलिडेशन करता है कल के सेशन में, इस लेवल के ऊपर या फिर नीचे दोनों में नहीं जाना चाहता है, ना ही 51,000 ब्रेक कर रहा है और ना ही ये लेवल ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब 2 से 3 सेशन के लिए कंसोलिडेशन होगा और फर्दर रैली उसके बाद में देखने को मिलेगी अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए। यहाँ पर जैसा कंसोलिडेशन होगा उसी हिसाब से फिर हमें अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए निफ्टी बैंक का मोमेंटम पता चलेगा। अभी यहाँ पर क्या रिएक्शन है ये देखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 51,800 जितने जल्दी हो सके निफ्टी बैंक अगर क्लियर कर देता है तो अपसाइड की रैली के लिए जो रास्ता है वो खुल जाएगा और निफ्टी बैंक फिर से 53,000 तक बढ़ेगा। लेकिन जब तक 51,800 के ऊपर या फिर उसके आसपास नहीं जा पा रहा है तब तक खतरा रहेगा कि फिर से यू टर्न लेके निफ्टी बैंक नीचे ना चलाए। तो इसके लिए जो भी लोगों ने लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई है टाइम टाइम पे एग्जिट कर लेना। फर्दर जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस है वो तभी कैरी करना जब बैंक निफ्टी 51,800 या फिर 52,000 के ऊपर चला जाएगा। तो अभी निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, तो पहले तो निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट 51,000 का है, ये टूटने के बाद 50,800 एंड 50,600 ये सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट 51,350-380 का, इसके बाद में 51,510 एंड देन 51,800-750 का। तो ये निफ्टी बैंक के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जो लेवल्स है और जिन लेवल्स के ऊपर क्या बाय करना है कॉल या फिर पुट, ये जानकारी आपको जो बताई है वैसे ही ट्रेडिंग करनी है ताकि आपको हेल्पफुल हो सके। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो अभी के लिए, आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।